And welcome back to my channel. I am back. तो इस गरम गरम कॉफी के साथ मौसम का मजा लेते हुए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो हम इंडिया गए थे 1 वीक के लिए और अब हम कनाडा वापस आ गए हैं। मौसम का हाल देख के पता चल ही रहा होगा। हमारी हैदराबाद टू दुबई एमिरेट्स की फ्लाइट थी एंड देन फ्रॉम दुबई से कनाडा के लिए हमारी एयर कनाडा की फ्लाइट थी। हैदराबाद से हमारी मॉर्निंग अराउंड 10:30 की फ्लाइट थी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए कम से कम 3 घंटे पहले हमें एयरपोर्ट पे चेक इन कर लेना चाहिए। सो हम एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गए और हमने जल्दी से चेक इन कर लिया। उसके बाद हमको काफ़ी टाइम मिल गया हैदराबाद एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। एयरपोर्ट पे बहुत वॉकिंग की और एक्सप्लोर किया हमारे साथ साथ। फाइनली हमने फ्लाइट बोर्ड की एंड एज यूजुअल क्योंकि हम कीश के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो हमने आगे वाली फ्रंट की बैसनेट वाली सीट्स ली थी। और एमिरेट्स में जस्ट लाइक लास्ट टाइम हमें इस बार भी विंडो के तरफ वाली सीट्स मिली थी। जैसा कि आपने देखा फ्लाइट में हमने बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए। और एंटरटेनमेंट के बारे में अगर मैं एमिरेट्स की बात करूं तो मुझे एमिरेट्स में जो मूवीज़ जो गेम्स अवेलेबल है वो मुझे बहुत ही पसंद है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अनलाइक एयर कनाडा। एयर कनाडा आई डोंट लाइक इट। खाने की बात करूं तो खाना मुझे एमिरेट्स का बहुत अच्छा लगता है। वो एक ब्रेड रोल देते हैं जो कभी कभी थोड़ा ड्राई होता है, अदरवाइज ओवरऑल खाना बहुत अच्छा होता है और बहुत ऑप्शंस होते हैं खाने में कि अगर आपको एक चीज़ नहीं पसंद आई तो आप दूसरी चीज़ से आपका खाना हो जाएगा। किड्स मील में मिष्टी को मिला था एक वेज करी विथ राइस और साथ में फ्रूट्स ब्रेड रोल बटर और एक खीर
डेजर्ट में. वहीं हमें मिला था राइस विथ चिकन करी और पास्ता सैलेड और साथ में वही फ्रूट्स, खीर और ब्रेड रोल, बटर एंड अदर कन्फेक्शनरीज के साथ. से दुबई तक की हमारी ये फ्लाइट अराउंड 4 घंटे की थी. एंड देन हमें दुबई में हमारा इस बार 12 घंटे का लेओवर था. 12 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं लेओवर के लिए, बट क्योंकि दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और हमें वहाँ करने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारी शॉपिंग थी जो हम सोच कर आए थे हमें दुबई एयरपोर्ट पर करनी थी, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम का पता नहीं चला. जहाँ पे हम फ्रेशन अप हुए, हमने खाना खाया और बच्चे बहुत थके हुए थे सो बच्चे वहाँ सो भी गए. पूरा एयरपोर्ट घूमा है, हैदराबाद एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट, और माखन चोर ने बटर भी अच्छे से खाया है वहाँ. नेक्स्ट फ्लाइट जो टर्मिनल 1 से एयर कैनेडा की फ़्लाइट थी वो थी रात को अराउंड 1 बजे. सो मरहबा लाउंज से फिर हम लोग अपने नेक्स्ट फ्लाइट के लिए निकल पड़े और हमें जाना था टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1. टर्मिनल 1 पहुंच के हम वहां पे अपने गेट पे जाके हम वेट कर रहे थे.
थोड़ी देर के बाद फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई थी। फ्लाइट बोर्ड करते ही दोनों बच्चे जाग गए, दोनों बच्चे खुश। आते वक्त हम लोग टायर्ड थे, इसीलिए हम लोग मोस्टली सोते हुए ही आए हैं। ओवरऑल एयर कैनेडा में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। एयर कैनेडा का खाना उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, तो खाने में उनके ऑप्शंस कम होते हैं, टेस्ट उतना कुछ खास नहीं होता। वैसे फ्लाइट के खाने में आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे, आपने कितना पे किया है। टिकट्स वगैरह के चार्जेस भी डिपेंड करते हैं कि आपको इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट कैसा मिलेगा, खाना कैसा मिलेगा, वो एक बात होती है। एंड दूसरी बात होती है जो क्रू का बिहेवियर। जाते वक्त तो ठीक था, बट आते वक्त वो लोग काफ़ी रूड थे। और मैंने वहाँ पे एयर होस्टेस को बुलाने के लिए जो बटन दबाते हैं वो बटन लगा के मैं बहुत देर तक वेट किया, बट कोई नहीं आया पूछने के लिए कि क्या चाहिए। क्रू का बिहेवियर अच्छा नहीं था। या अब इससे ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे चैनल में। ओवरऑल ट्रिप अच्छा था, हम हंसी खुशी मज़े में, हम इंडिया जाके फंक्शन अटेंड करके कनाडा वापस आ गए। और कनाडा आते ही ये मौसम, अरे हाँ, हम इंडिया से कनाडा पहुँचे हैं और हमें पता चला कि यहाँ तो स्नो स्टॉर्म हो चुका है। हम लोग अपने घर वापस आए हैं, लिटरली हमारे घुटनों तक स्नो था। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, आप मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.